हेलो ट्वेल्थ ओ सॉरी टेंथ वाले बच्चों, सॉरी मुझे लगा ट्वेल्थ की क्लास चल रही है। टेंथ वाले बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 4 है एनसीईआरटी का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये एक मैंने एग्जांपल दिया है इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा था चैप्टर नंबर 3, और ये था मेरे पास में लीनियर इक्वेशन। अभी मैं ले रहा हूँ चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बात ये है कि ये दोनों चीजें है तो इक्वेशन ही है, ये भी इक्वेशन थी मेरे पास, 2x plus 3y is equal to 5, और ये मैंने एग्जांपल लिया 6x square minus x minus 2 is equal to 0, ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है, तो दोनों चीजें हैं इक्वेशन ही। तो जो काम है हम यहाँ करते थे, दैट इज क्या करते थे हम लोग, सॉल्व द इक्वेशन, और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पर जो मेरे पास में डिग्री होती थी, डिग्री एक्स और वाई की होती थी 1, और यहाँ पर जो मेरे पास में डिग्री होती है वो कितनी होती है, डिग्री मतलब होता है 2। तो यहाँ भी आपने सॉल्व करने के अलग अलग मेथड सीखा, अलग अलग चार अलग अलग हमने मेथड सीखा, एलिमिनेशन, ग्राफिकल और सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं, बाकी वर्ड प्रॉब्लम दोनों में सेम चलेगा। आप ये समझ लो ये चैप्टर दोनों एक दूसरे जुड़वा तो नहीं बोल सकते, दे आर सिमिलर, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट, बट आई कैन से दे आर सिमिलर। सिमिलर मतलब कि काफी सारी बातें, एक सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है, और प्लस जिट्टो जिसने वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन की अच्छे से की है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम बड़े अच्छे समझ में आ जाएगी। तो वर्ड प्रॉब्लम काफी लैंग्वेज सिमिलर है आपको वो सारा, बट वो वर्ड प्रॉब्लम तो बंदा करेगा कब, जब उसको सॉल्व करना आएगा कि उसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है कि सॉल्व करने का मतलब क्या होता है और क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, देखते हैं हमारे पास पहला, तो इसके पास जो मेथड है सॉल्व करने का, मैं वो आपको आज दो मेथड आज हम डिस्कस कर लेंगे, वैसे इसमें तीन मेथड होती है सॉल्व करने की। तो दिस इज फर्स्ट मेथड हमारे पास, मैं लिख देता हूं मेथड टू सॉल्व इक्वेशन। तो पहला जो मेरे पास ये कौन सा मेथड है, इसको बोलेंगे सॉल्व बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो एक तो हमारे पास ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या फिर इसको लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन की मेथड भी आप इसको बोल सकते हैं, फैक्टराइजेशन की मेथड बोल सकते हैं। दूसरा मेरे पास और मेथड एक होगा, दैट इज कॉल्ड एज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और तीसरा जो है मेरे पास, That is called as completing the square method. मगर अभी अभी last year जो है ये out of syllabus है हमारे पास, syllabus मतलब कि 10th class में last year जो 90-20 का ग्रुप था, बैच था, उसमें सीबीएसई वालों ने इसको हटा दिया, बट फिर भी मैं इसको पढ़ाता हूँ क्योंकि ये पढ़ना काम की चीज है, वैसे काम की चीज है बहुत, पता नहीं इसको क्यों हटाया, अननेसेसरली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं तो पढ़ाऊंगा भैया, बिकॉज ये आगे के लिए आपके बेस से काफी क्लियर होते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये हमारे पास तीन है। तो पहला मैं ले रहा हूँ बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अच्छा, यहाँ भी हमारे पास वही चीज है कि आप मेथड कोई भी लोगे आंसर आपका तीनों से सेम ही आना है। ठीक है, चलिए जाओ, तो पहला लेते हैं हम लोग, उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट एक क्या बोलते हैं उसे, कि वैसे ही रिविजन ले लेते हैं कि हाँ सॉल्व करने का तरीका, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। दिस इज 6x square, अच्छा मल्टीप्लाई करके आपको कितना चाहिए प्रोडक्ट, 12, एमटीए सिखाने की जरूरत नहीं होना चाहिए मुझे, 12 है तो आप ले लीजिए 4 3 12, दिस इज 4x एंड माइनस का 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहां से और यहां से आप यहां से कॉमन निकालो, आपने कॉमन निकाला 2x, ये बचा मेरे पास 3x माइनस का 2, ओके मगर ये प्लस रखना पड़ेगा, यस यहां से प्लस का आपने कॉमन निकाला 1, ये निकला मेरे पास 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज 3x माइनस 2, और अगला निकला 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये निकला 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से x इज इक्वल टू निकला 2/3, और यहां से x इज इक्वल टू निकला माइनस का 1/2। तो आपको लग रहा होगा बोलिए तो हमने पॉली में सीख रखा है, तो हाँ वही चीज है और कुछ नया नहीं, ये अल्फा बीटा निकालते थे हम लोग, इसी को बोलते हैं सॉल्व करने का तरीका, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमने पॉलिनोमियल में सीखा था, बिकॉज पॉलिनोमियल में ये डिग्री 2 वाला भी पॉलिनोमियल कहलाता है, हालांकि पॉलिनोमियल में डिग्री 2 वाले भी थे, डिग्री 3 वाले भी थे, डिग्री 4 वाले भी थे,
बट ये चैप्टर स्पेशली फॉर क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री दो वाले के लिए। तो ये डिफरेंस आपका ये पॉलिनोमियल में और इसमें क्या अंतर है। तो पॉलिनोमियल में हर तरह की डिग्री हमारे पास थी, दो तीन चार, यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि जहां पर डिग्री टू हो उसको सॉल्व करने का तरीका आपको सीखना है। तो ये मेरे पास अल्फा बीटा या फिर इसके दो क्या निकले, सॉल्यूशन। अब मैं यहां पर एक चीज कर रहा हूं जो इसका एक और मेथड है सॉल्व करने का। मैंने दिस इज ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ सॉल्व करता हूँ। और मैंने देखो जस्ट ये सिक्स वन और टू है, इसके बदले मैंने ए बी और सी लिया, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका मैं आज ले रहा हूँ, उसका नाम है जो मैंने बोला सीबीएसई ने हटा दिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मगर मैं तो कराऊंगा क्योंकि मैं सीबीएसई के हिसाब से नहीं चलता, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए, पूरे टेंथ क्लास के लिए और आगे इलेवेंथ ट्वेल्थ वाले जो बच्चे मैथ्स पढ़ेंगे उनको तो करना ही जरूरी है भैया, इसके बिना काम चलना नहीं है। तो मैं इसको रख करके अलग से मैं ले लेता हूँ दूसरा मेथड, ये पहला मेथड हो गया। आई विल टेक द सेकंड मेथड कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं, लिख लो भैया आप लोग चाहो तो, क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। चलिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम यूज कर लेते हैं। लो भाई तो मैं इक्वेशन ले रहा हूं, मैं लिख देता हूं सॉल्व बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू जीरो। चलिए ये इक्वेशंस हैं, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने के लिए यहाँ पर आपको तीन स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, दिस इज स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू और स्टेप नंबर थ्री। तो तीन स्टेप आपको फिक्स है जो कि आपको हर इक्वेशन में फॉलो करना पड़ेगा। पहला रूल जो हमारे पास है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, पहला रूल मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन, पहला काम। अच्छा ये काम पहला काम ये करना जरूरी है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है मतलब ये जो है मेरे पास ये कितना है, ये वन होना चाहिए, तो अभी तो वन नहीं मिला, हम इसको बनाएंगे। दूसरा काम ट्रांसपोज कॉन्स्टेंट ऑफ ट्रांसपोज कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म को आप ट्रांसपोज कर दो। चलो पहले ये दो काम कर लेते हैं। अब ये जो a है इसके बदले में वन कैसे लाऊ, तो बताओ भैया वन कैसे लाऊ। अच्छा लॉकडाउन में सबके मजे हैं, बच्चे लोगों के तो बिल्कुल आजादी मिल गई है, पढ़ लो थोड़ा सा टाइम पे तुम काम कर लिया करो, सबको फोन करके रिमाइंड कराना पड़ता है। a आपका वन है तो दिस इज वन, बनाने के लिए करना पड़ेगा मुझे इसमें करना पड़ेगा डिवाइड बाय ए टू होल इक्वेशन टू द इक्वेशन, या आपको पूरे इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा ए से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा तो ये आप डिवाइड करने का फायदा हमारे पास क्या होगा, डिवाइड करने का फायदा ये होगा कि आपके पास में जो ये ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए एक्स और प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो अपॉन ए, भैया ये जीरो अपॉन ए ये भी आपका खत्म हो गया, ये कितना बचा मेरे पास, ये आगे एक्स स्क्वायर प्लस ये बचा बी अपॉन ए ऑफ एक्स एंड प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। पहला काम हो गया, देख लो मेक द कोफिशिएंट यहाँ वन आ गया मेरे पास, तो यहाँ पे यदि ए था तो मैंने ए से डिवाइड किया, अभी बी होगा तो बी से कर देना, पांच होगा तो पांच से कर देना, दस होगा तो दस से, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर है आपको इसको वन बनाना पड़ेगा, ठीक है पहला काम तो ये। दूसरा काम है ट्रांसपोज कॉन्स्टेंट टर्म, अब कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी वाली मेरे पास में है, पकड़ो जरा कॉन्स्टेंट को, तो चार लोग बुलाओ पकड़ने के लिए, ये पकड़ लिया कॉन्स्टेंट। अब क्या अगर हमने इस कॉन्स्टेंट को उधर शिफ्ट कर लिया, चलो भाई कर दो कॉन्स्टेंट को शिफ्ट, तो कॉन्स्टेंट को शिफ्ट करने के लिए मैं लेता हूं एक्स का स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स और इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन सी अपॉन ए, ये मैंने दूसरा काम क्या कर दिया इज इक्वल टू माइनस का सी अपॉन ए, दो काम हो लिए। चलो भाई अब हमारे पास जब दो काम हो गए तो तीसरा काम क्या करना पड़ेगा, तीसरा काम x का जो कोफिशिएंट है मतलब ये x का कोफिशिएंट का अद्धा, अद्धा बोले तो हाफ, हाफ बोले तो हाफ, बोले तो हाफ ही होता भाई, मतलब कोई भी चीज है उसके दो तुमने इक्वल पार्ट्स में कर दिया आपने, तो मैंने बोला चार का आधा दो का आधा एक का आधा वन बाय टू का आधा वन बाय फोर का आधा वन बाय
बोलो बोलो, 1/4 का यानी हाफ करेंगे तो अच्छा, ये बड़ा मतलब ये पैटर्न अभी आपके काम आएगा जब आप क्वेश्चन करोगे। देखो हम हाफ कर कैसे करते जाते हैं ना, हम करते हैं सिक्स का हाफ किया कितना हो गया आपके पास, तो सिक्स का हाफ करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है 3 आएगा। और 3 का आप हाफ करोगे तो कितना निकलेगा, 3/2 आएगा, 3/2 आएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड नहीं होगा। 3/2 का अब मैं यहाँ सीरीज लेके देता हूँ, 6/6 का हाफ किया तो 3 आया, 3 का हाफ किया तो ये 3/2 ही रहेगा, 3/2 का फिर से हाफ किया हमने तो फिर से हाफ करके कितना निकलेगा, 3/4। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओरल चीजें हाफ करना, तो मतलब यहाँ पर इसका जो कोफिशियंट है इसका जो हाफ होगा, हाफ मतलब आधा। अच्छा अभी तो फिलहाल हम नंबर मेरे पास बी अपॉन है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 का आधा 3/2, तो बी बाय का आधा कितना होगा, बी अपॉन 2 है। तो ये क्या करना पड़ेगा, एडिंग बोथ साइड, अगला स्टेप आप लिख लो, एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड हाफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स, ये 3 स्टेप आपको करना है, ये 3 स्टेप। तो तीसरा में क्या करना पड़ेगा, बी अपॉन ए का हाफ। अच्छा भैया बी अपॉन ए का हाफ कितना होगा, बी अपॉन 2 है, तो क्या करना है आपने यहाँ पे प्लस करना है बी अपॉन 2a का स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, दिस इज बी अपॉन 2a का दिस विल बी स्क्वायर। अच्छा एडिंग बोथ साइड हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एडिंग बोथ साइड स्क्वायर ऑफ, यहाँ भी क्या आएगा मेरे पास, स्क्वायर स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो दैट इज फाइन, आप समझ गए मेरा कहने का मतलब क्या है। मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब, फिर यहाँ पे एक और मैं चीज बता दूं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो दुनिया में सारे बच्चे 10th क्लास के वो सबको आता होगा 110%, 15-20 लाख बच्चे भी 10th में होंगे उन सबको ये आता होगा फॉर्मूला, वो सब फट से बोल देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फट से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना प्रत्युष झगड़ा तू भी बोल देगा भाई। मगर शाणा कौन है, शाणा मतलब होशियार कौन है कि जो इसका उल्टा कर ले, मतलब जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख ले, उसको बोलेंगे भैया बुद्धिमान बालक कि हाँ उसमें स्मार्टनेस हमारे पास में आ रखी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को ये 2 का 3 हम खोल रहे थे, बंद को खोल रहे थे और एक खुले हुए को हम बंद कर रहे हैं। तो देखो ये आपके पास क्या है, ये ए स्क्वायर मान लेता हूँ, ये एक्स्ट्रा स्क्वायर है इसको ए मान लिया, ये भी क्वांटिटी मेरे पास बी का स्क्वायर हो गया और ये 100% 2ab है। आप यदि इसको चेक करना चाहो तो चेक कर लेना, यदि आपको लगे ऐसा तो आप देख लेना, ये वाला टर्म ए स्क्वायर होगा, ये वाला टर्म बी स्क्वायर होगा और ये वाला टर्म 100% 2ab होगा। आप यहाँ पे रफ में चेक कर लो, सपोज ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू कितना लिया मैंने, बी अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए, तो देख लेना 2ab इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 × x × b अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए। देखो 2 से 2 कट गया तो कितना निकला मेरे पास, ये निकला बी ऑफ एक्स अपॉन में ए। तो देखो ये आ रहा मेरे पास बी ऑफ एक्स अपॉन में ए आ रहा है। तो ये आपको जस्ट एक मैंने वो बताया सबूत के तौर पे, बट आपको ये करना नहीं है। ये तीनों मिलके क्या बन गया, ये तीनों मिलके स्क्वायर बंद हो गया, ये क्या बन गया मेरे पास, एक्स प्लस बी अपॉन में 2a का होल का स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा, माइनस का सी अपॉन ए प्लस दिस इज बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए, मतलब इसको 4a कर लेंगे हम लोग। हाँ कर लेते हैं, इसका स्क्वायर है, नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा तो उसको भी हमने 4a का स्क्वायर लिख लिया। अच्छा बोले साहब ये इक्वालिटी इक्वेशन हमने बनाया आपके पास, तो ये हम कर क्या रहे, हम कर रहे सॉल्व द यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ कौन सा, ये दूसरा मेथड है। तो आप देखो उसमें 3 स्टेप आपको यूज करना पड़ेगा, पहला मेन का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, ट्रांसपोज अपॉन, ये सारा थ्योरी वाला पार्ट लिख करके भेजना, ध्यान रख लेना, मतलब सबके घर पहुंच जाऊंगा मैं चेक करने के लिए, और नहीं करोगे तो फिर करवाऊंगा सामने बैठ करके। तो ये सारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि पहली वीडियो में यदि आज ये करवा रहा हूं मैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। चलिए आगे, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या बढ़ते हैं, इधर का मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, और एलसीएम लेने के बाद ये दिस इज एक्स प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना निकला, दिस इज 4 ऑफ ए स्क्वायर। चलो एलसीएम लिया तो 4 तो ऊपर चढ़ेगा और माइनस का 4ac,
और माइनस का नहीं, ये प्लस का कितना निकलेगा, दिस इज बी स्क्वायर। ओके, अब ये इसकी टोपी उसके साथ, मतलब इसका जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर लगा रखा है, हम क्या करेंगे इसको बड़े प्रेम से हम क्या करेंगे, हम इसको उधर शिफ्ट करेंगे। तो बोलो स्क्वायर को जब शिफ्ट करते तो क्या बन जाता है, वो आपका रूट बन जाता है। अच्छा जी, रूट बन जाता है। चलिए साहब, तो उसका हम उसको रूट बना लेते हैं। अब ये मेरे पास कितना बचा, दिस इज एक्स प्लस बी अपॉन में टू ए, एक्स प्लस बी अपॉन में टू ए का होल स्क्वायर अब नहीं आएगा और ये असर चलता हो जाएगा रूट। अच्छा, ये कितना निकला, अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और अपॉन में ये कितना निकल जाएगा, अंडर द रूट ऑफ फोर ए स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो x प्लस बी अपॉन में टू ए। अच्छा, ये जब भी आप शिफ्ट करोगे तो प्लस और माइनस दो साइन हमारे पास आते हैं, ठीक है। अच्छा, x इज इक्वल टू दिस इज, अब मैं एक और काम कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू बी अपॉन ए को भी शिफ्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गया माइनस का बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में, ये कितना आ जाए, टू ए आ जाए। अच्छा, अब इसका एलसीएम आप ले लो, लास्ट x इज इक्वल टू कितना निकला, ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ This is b square minus 4ac upon में 2a। अब आपको मैं बता दूं कि ये निकला इसका आंसर, ये आपका निकला इसका आंसर निकला। अच्छा, आंसर निकला है, तो ये इसका आंसर है भैया। अब आंसर मतलब ये कि मेरे पास यदि इक्वेशन टेढ़ी वाली है उसका आंसर भी टेढ़ा वाला आएगा, तो सीधा तो आएगा नहीं। तो ये एक यदि इस फॉर्मेट में इक्वेशन होगी तो उसका आंसर इस फॉर्मेट में आएगा। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि यदि मैं यहाँ पर मान लीजिए इस इक्वेशन के बदले, हो गया सॉल्यूशन, डोंट वरी, अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं वापस से वो इक्वेशन ले रहा हूँ जो इसके पहले मैंने लिया था, दैट इज 6x² - x - 2। मैंने इक्वेशन लिया था 6x² - x और -2 इज इक्वल टू 0। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सर कि यदि यदि मेरे पास ये ए बी और सी है, इसके बदले मेरे पास देखो ये 6 1 और 2 है, तो मैं ये पूरा जो तामझाम है बार बार ना करते हुए मैं सीधे यहाँ पर ए बी सी की जगह डाल दूं तो मेरा सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो मैंने किया है अभी बाय यूजिंग दिस ट्विस्ट, मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, ट्रांसपोज द कांस्टेंट टर्म, एडिंग बोथ साइड द स्क्वायर ऑफ हाफ, ये जो तीनों चीजें मैं ना करूं, मैं सीधे इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन, एंड इसको मैं यदि मैं सीधे यहाँ पर बताऊँ, दिस इज ए इज इक्वल टू 6, देखो कंपेयर करो, बी इज इक्वल टू माइनस 1 और सी इज इक्वल टू माइनस का 2। अब इन वैल्यूज को मैं यदि यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो एक्स इज इक्वल टू, मतलब बी कितना है, माइनस 1 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ व्हाट इज बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, दिस इज 1 माइनस 4, ए कितना निकला बेटा, 6 और माइनस 2, तो 6 और इनटू में 2 इसको प्लस कर दो, और डिवाइडेड बाय कितना निकला, 2 इनटू आई थिंक इट्स 1 ना, सॉरी इट्स द 6, ये आपका कितना निकला, 6 निकला। तो ये कितना निकला, x इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये आप देख लो, 4 टू जा 6, 6 टू जा सॉरी सॉरी 6 4 जा 24, 24 टू जा 48 प्लस 1 49, 49 का रूट आया 7, तो ये मैं डायरेक्टली 7 लिख देता हूँ, है ना, इतना कौन लिखे, ये डायरेक्टली आपका कितना निकलेगा 7, और अपॉन में कितना निकला मेरे पास 12। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज आई है, ये प्लस और माइनस का दो साइन चढ़ा था, बिकॉज ये रूट चढ़ा था आपके पास, रूट जब चढ़ता है स्क्वायर से तो प्लस माइनस की दो वैल्यूज देगा। अब ये एक बार आप पॉजिटिव लोगे, एक बार आप नेगेटिव लोगे, तो यहाँ से आप एक बार यदि पॉजिटिव साइन कंसिडर करते हो तो 7 प्लस 1 कितना निकला 8, और 8 अपॉन 12 तो काट लो कितना आएगा 2 अपॉन 3 आएगा, तो उस केस में आपके पास आएगा 2 अपॉन 3। और यदि आप नेगेटिव साइन कंसिडर करते हो 1 माइनस 7, माइनस का 6 अपॉन 12 कितना निकला, माइनस का 1 अपॉन 2। और ये जो मेरे पास दो अल्फा बीटा निकले, ये भी मेरे पास में पिछली बार जो मैंने इसको किया था तो यही सेम आंसर आया था, हाँ ठीक है। तो आप जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन से, तो भी आंसर आपका ये आया था, देख लेना, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि एक मैंने इक्वेशन लिया, उसको सॉल्व किया बाय यूजिंग दिस मेथड, और ये आपका, अच्छा ये जो मेथड मैंने करा इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्योंकि हम स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट कर दिया स्क्वायर को और ये निकल गया हमारे पास। तो हर क्वेश्चन को सीबीएसई ने शायद वही की ना, मतलब आजकल वो बेसिक और स्टैंडर्ड वाले थोड़े हिसाब किताब हो गए, तो जो बेसिक मैथ्स होता है, हाँ पता होगा आप लोगों को, जो स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स है दो अलग अलग बना दिए गए, तो बेसिक वाले बच्चों को इतनी प्रॉब्लम ना आए क्योंकि उनको आगे मैथ्स पढ़ना नहीं होता, तो इस कारण से उन्होंने क्या किया है कि
उनका फायदा करने के लिए बेसिकली क्या किया, ये हटा दिया। मगर ये जिनको आगे मैथ्स पढ़ना है, जिनका प्लानिंग ही मतलब मैथ्स के बिना वैसे कुछ होना नहीं है, तो ऑलमोस्ट 90% बच्चा आज की तारीख मैथ्स सिलेक्ट करता है। मैथ्स वही नहीं लेता जिसका बिल्कुल डब्बा गोल है मैथ्स में, मतलब जो पढ़ ही नहीं पा रहा उसकी बात ही नहीं, वो छोड़ देता है मैथ्स को। तो वो कुछ वो आर्ट्स वार्ट्स लेकर के कुछ करते हैं इस टाइप से चीजें। बट हाँ ये है कि ये चीजें बार बार ना करना पड़े, आप सीधे क्या करो, आपके पास ये इक्वेशन आ गई, इसमें वैल्यूज डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो अब हुआ क्या, मेरे पास अभी तक के जो मैंने आपको थ्योरी जो लिया है चैप्टर का, अभी मैं ले रहा हूँ 4.2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। मगर प्रैक्टिस करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैंने क्या क्या बताया आपको, क्या क्या चीजें होती है। तो तीन मेथड होती है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा वाला कौन सा, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन हमने कर लिया इसका, ये जो मेथड कौन सा था मेरे पास, दिस इज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और ये जो मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करके ये जो चीज निकाली है, ये नोट कर लेना, दिस इज द फॉर्मूला। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कि आपको बार बार ना यूज करना पड़े, ये मेथड बार बार ना यूज करना पड़े। आप यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए बी सी फ्रॉम एनी इक्वेशन इन द वर्ल्ड एंड आप यहाँ डाल दो, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए मेरे हिसाब से क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज मोर इंपॉर्टेंट देन फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होगा, आप सोच रहे होगे एमटीएस या मल्टीपल स्प्लिटिंग करना, 8th में सीखा था, फिर 9th में भी आया, 8th और 9th में आने के बाद में 10th क्लास में अब वो थोड़ी आएगी जो छोटी-छोटी जो बच्चों वाली इक्वेशंस आएंगी, बच्चों वाली इक्वेशंस के फैक्टर को भी निकालने का, बच्चा जी अभी हम करेंगे बट प्रॉब्लम। तो यहां पर ऐसी ऐसी बनेगी इक्वेशन, यहां पर ना फैक्टर निकाल निकाल के बाल मूंछ लोगे मगर फैक्टर निकलेंगे नहीं, आई एम चैलेंजिंग यू। ऐसी ऐसी इक्वेशंस आएंगी जहां पर फैक्टर निकलेंगे ही, आप फैक्टर बना बना के थक जाओगे, नहीं निकलेंगे। उस समय कौन काम आएगा, उस समय क्या मैं सीएसएम करूंगा या मैं सीधे ये वाला मेथड लगाऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा। तो आप समझ गए ये थ्योरी इस चैप्टर का है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और वैसे छोटी मोटी इक्वेशन बनेगी तो हम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में लिखा आता है सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या सॉल्व यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड, ये लिखा पहले आता था क्योंकि अब सिलेबस में नहीं है तो आएगा नहीं। बट हाँ आगे हायर क्लासेस में सीएसएम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं 2-4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा सीएसएम से आप लोग कर लेना, इट्स वेरी यूजफुल फॉर द हायर क्लासेस। ठीक है, नाउ लेट स्टार्ट डूइंग सम प्रैक्टिस फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2। चलो भैया 4.1 भी देख ही लेते हैं थोड़ा सा, मैं सोच रहा था किसी से 4.2 शुरू करूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या करना, सारे सिंप्लीफाई कर लेना, ये सब ब्रैकेट ब्रैकेट गोल के फर्स्ट क्वेश्चन में करवा नहीं रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं, सॉल्व कर लेना। और सॉल्व करके आपके पास में यदि ये वाला फॉर्मेट आपका बन रहा है ax2 + bx + c, तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक है, और यदि ये फॉर्मेट नहीं बन रहा तो क्वाड्रेटिक नहीं, मतलब डिग्री 2 आनी चाहिए, डिग्री 2 आई तो क्वाड्रेटिक होगा। तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, पहले ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। मैं सीधे ले रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम जल्दी से फटाफट, क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का मेरे पास में पहला वाला पार्ट है वर्ड प्रॉब्लम है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, अच्छा एक बात और बता दूं मैं कि ये क्वाड्रेटिक में ना आपका दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपका रहेगा, दिस इज फॉर वन वेरिएबल, आपके पास ये वन वेरिएबल है, यहाँ पर आपको वाई लेने की जरूरत नहीं है। दो क्वांटिटी होगी जरूर, यहाँ पर भी होंगे मेरे पास, यहाँ पर भी बाप बेटे होंगे, या फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर होगा, या पहले की स्पीड और बाद की स्पीड होगी, है ना। दो केस तो बनेंगे, यहाँ पर भी दो केस बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, जैसे लीनियर में आपके पास करते थे आप जितने वर्ड प्रॉब्लम थे, हाँ तो जितने भी क्वेश्चन है उसमें दो केस बनेंगे, मगर वन वेरिएबल में चलेगा, मतलब दो आपको वाई लेने की जरूरत नहीं, आपका एक में काम चल जाएगा। बहुत चीजें आपके अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम आएंगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी, तो हम वाई कभी ले सकते हैं दो वेरिएबल में, बट वो अलग तरह से सॉल्व करने का तरीका होगा। फिलहाल तो मैं एक में चलूंगा, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 528, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो भैया ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, लेंथ इज इक्वल टू वन मोर देन ट्वाइस, अच्छा तो वन मोर देन ट्वाइस तो वन प्लस का 2x, ये 1 + 2x, इसने बोला था वन मोर देन ट्वाइस। तो अब ये मैंने क्वेश्चन पढ़ के आपका बताया कि लेंथ है ये ब्रेथ है, और एरिया मेरे पास कितना दिया है, एरिया इज गिवन एज 528, हमारे पास ये एरिया दिया है। तो अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो ब्रेथ और लेंथ और एरिया, तो आप लगा दो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू में ब्रेथ, एरिया का फॉर्मूला तो आता ही होगा, ठीक है ना, हमारा एरिया फॉर्मूला आता है ना। चलो तो एरिया इज इक्वल टू कितना निकल गया, दिस इज 528 is equal to length is 1 plus में twice of x और into x, तो ये आपका 528 is equal to
एक्स प्लस में टू एक्स स्क्वायर, ट्रांसपोजिंग कर लो भाई। तो ट्रांसपोजिंग में जरा ध्यान रख लेना, फिर प्रत्युषा वाला फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अटकोगे ट्रांसपोज करने में। जो कप्तान है, कप्तान कप्तान मतलब ये एक दो तीन, ये तीन में से जो मेन जिसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे वो कौन होगा, वो होगा मेरे पास, वो वाली टर्म होगी मेरे पास में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कप्तान एक्स स्क्वायर है, तो यदि आपका एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इधर नहीं आएगा, कप्तान नहीं आया कहीं, कप्तान के पास सब लोग जाएंगे, तो ये 528 आपका उठ के उधर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप ट्रांसपोजिंग करो तो आप देख लो कप्तान कौन है। चलो, 2x square plus x और minus का 528 is equal to 0। अब ये मेरे पास में आपका ये एक linear equation आया, sorry linear quadratic equation आया। अब मुझे इसको solve करना है। अब मैं आपको इसको solve करने के लिए आप factorization method भी use कर सकते हो और दूसरा कौन सा method use कर सकते हो, जो भी हमने पढ़ा quadratic formula। तो देखते हैं इसका पहले factorization। तो product आप इन दोनों का पहले multiply कर लो। ये आपका 1000 528 का कितना 1056 ले लो, चलो ले लिया। प्रोडक्ट आया 1056। अब मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं, तो ले लो भैया फैक्टर 1056 के फैक्टर आप निकाल लीजिए। 25 जा 22 जा 28 जा, बहुत बड़ा फैक्टर जाएगा ये। चलो 1056 आप इसका ले लीजिए फैक्टर, दिस इज 25 जा 22 जा 28 जा, फिर 22 जा 4 26 जा 24 जा, फिर 21 जा 23 जा 22 जा, फिर 26 जा 12 एंड 1 दिस इज 26 जा, फिर 2 33 जा, फिर 3 11 जा, फिर 11 1 जा। अब मुझे इनमें से फैक्टर ढूंढना है कि हाँ मेरा वन आ जाए। तो अब मैंने कहा था कि देखो फैक्टराइजेशन करने के चक्कर में ये मेथड आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, वो करने के लिए आप कर दो लोगे, मगर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि फैक्टर आप निकालना आपको कितने अच्छे से आता है, आपकी कैलकुलेशन टेबल कितनी अच्छी आपकी है एंड ऑल दिस थिंग आपको देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर मुझे तो खैर दिख गया है, मुझे यहाँ पर फट से दिख गया फैक्टर। मैं डाउन द स्टेयर आपको सिखाया था, मैंने वो ट्रिक एमटीएस करने का शॉर्टकट मैंने बता रखा है। तो आप ये नंबर ले लो, यहाँ से इतने नंबर ले लिया आपने, दिस इज 1 2 3 4 5 32 और क्रॉस ये डाउन चले गए आप, दिस इज 33। तो ये डाउन द स्टेयर की मेथड लास्ट ईयर सिखाई थी मैंने, और कभी बनाऊंगा एक वीडियो और एमटीएस करने की शॉर्टकट मेथड कि MTS जल्दी फैक्टर कैसे बन जाए। अभी तो फिलहाल अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको ये 9 वालों को सिखाया था 32 और 33। देखो माइनस करके कितना वन आ रहा है, यहाँ मेरे पास वन आ रहा है तो फैक्टर निकल गए। अब जिसके ना निकले वो बैठ के ऐसे माथा मत पीटना, उसके पास दूसरा मेथड और एक और, वो कौन सा निकलेगा, दिस इज 2x2। अच्छा आगे कितना निकला, दिस इज 33x और माइनस का 32x माइनस का 528 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब MTS करने में आप यहाँ से कॉमन निकालो x, ये बचा 2x प्लस में 33, यहाँ से आपने माइनस का कॉमन निकाला 16, तो ये कितना बचेगा, दिस इज 2x और प्लस का 33। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि इसका काम तो हो चुका है। चलिए, और द सेकंड इज ये कितना निकला, ये निकला 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस का 16, x माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू नेगेटिव 33 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू पॉजिटिव 16। अब इसको हम कर देंगे भैया, जो नेगेटिव वाला जो वैल्यू है ना, इसको हम कर देंगे रिजेक्ट, बोले भैया तेरे को हम नौकरी नहीं दे रहे, रिजेक्टेड, इसको हम नौकरी से निकाल देंगे क्योंकि नेगेटिव है। क्योंकि इसने क्या बोला था, ये जो लेंथ और ब्रेथ है मेरे पास, ये क्या है आपके पास, दिस इज द एरिया, ये एक डायमेंशन है, एक लेंथ ब्रेथ है, तो ये नेगेटिव नहीं आ सकती बेटा, किसी घर की लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव वाले को लेना पड़ेगा। तो लास्ट में लिख दो, ये आपका ब्रेथ क्या निकला, देयरफॉर ब्रेथ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 16 और लेंथ कितना था, लेंथ कितना था, इसको देख करके यदि मैंने क्या बोला कि जिस बच्चे को ये देख करके स्टेटमेंट बना ले, मतलब कि उसको आ गया, ये बोल रहा वन मोर देन ट्वाइस, तो ब्रेथ कितना था मेरे पास, सॉरी लेंथ कितना आएगा, द लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस, मतलब डबल करके एक ज्यादा, तो 32 और प्लस वन कितना निकल गया 33। तो ये आपका आंसर है। चलो इसको मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ किस वाले मेथड से, आप चाहे तो इसको उस कौन सी वाली मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी ट्राई कर सकते हैं। एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा होता है, दिस इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। कुछ नहीं करना है,
आप ए बी सी की जगह ये वैल्यूज दिख रही है आपको, यहाँ पर कितना दिख रहा है, ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू वन, सी इज इक्वल टू माइनस का 528, यहाँ पुट कर दो आंसर सेम आएगा। चलो यार करके दिखाई देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको क्रॉस चेक कर देता हूँ, अगली बार से नहीं करके दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन करके दिखा दूं। ये फैक्टराइजेशन के मेथड और फॉर्मूले में डायरेक्ट डालो। चलो तो दिस इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी कितना है 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए कितना निकला 2 और सी कितना निकला मेरा 528 आया ओके, और डिवाइडेड बाय ट्वाइस इंटू ए कितना निकला मेरे पास, ए निकला मेरे पास में 2, चेक कर लो 4 ए सी, ए और सी तो 4 ए सी इसका आप 4 टू जा 8 आपको क्या करना है, 4 2 2 5 है और ये माइनस का था, एक मैं यहाँ भी लगा दूं नेगेटिव साइन था और ये इनटू में था मगर नेगेटिव था, ये माइनस आगे आ जाएगा तो दिस वुड बी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस कितना आया था 4 2 2 5 4 2 2 5 डिवाइडेड बाय 4 आया, ठीक है प्लस प्लस का हो गया। नाउ इसे x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस ये आपका 4 2 2 5 2 4 आया था, ये 4 आया था और ऐड होके आपका कितना निकलेगा 4 2 2 5 और डिवाइडेड बाय 4। अब ये भी ट्रिक सिखा रखी है स्क्वायर रूट निकालने की 8th 9th के बच्चों को, तो जो पढ़ रहे हैं उनको पता है कि ये 7 6 42 तो ये 65 का हो गया, तो ये ट्रिक आपको बता रहा कि ये नहीं तो फिर लगाओ वही वाली जुगाड़ एलडीएम, ये निकलेगा 65 आपका निकलेगा 65 अपॉन बी 4। अब यहाँ पे दो वैल्यूज आपको लेनी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो यदि आप इसमें पॉजिटिव लेते हैं तो 64 अपॉन 4 तो कितना आंसर आएगा आपका 16 आ जाएगा, ठीक है तो दिस इज 64 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 16 और दूसरा वाला जो आपका आंसर आएगा वो आप देख लेना कितना आएगा माइनस का 33 अपॉन में 2, तो आंसर दोनों में सेम आएगा। बस ये मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का मेथड लगाया, ये मैंने मिडिल टर्म फिटिंग का लगाया, तो दैट्स इट, वर्ड प्रॉब्लम है उसको बनाना है, उसको सॉल्व करने के दो मेथड आपके पास में, सीएसएम मत लगाओ ठीक है, सीएसएम कोर्स के बाहर है बट सीएसएम मैंने बताया कि एग्जैक्टली फॉर्मूला आया कहां से, एक वो भी लॉजिक में आ गया आपके पास में, वो सीख भी गए कि हाँ वो 3 स्टेप सीएसएम के आती है, बाद में टाइम मिलेगा तो प्रैक्टिस कर लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं चलो,